नमस्ते बच्चों, अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा और व्याकरण पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने पढ़ लिया था भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने भावों और विचारों को अपन क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं, दूसरों की बात अपन खुद भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अपन ने संकेतों की लैंग्वेज पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा था मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा जिसमें अपन बोलकर और लिखकर क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को समझा सकते हैं, और लिखित भाषा जिसमें लिखकर अपन क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा को सामने वाले को समझा सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं, लिपि लिखित भाषा की प्रत्येक ध्वनि के कोई ना कोई क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, इन वर्णों की बनावट को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और देवनागरी भाषा में कौन कौन सी देवनागरी लिपि में संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी लिखी जाती है। ठीक है, इनका विकास किससे हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और देवनागरी लिपि जो है आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, फारसी दाएं से बाएं लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, और अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ रहे थे मातृभाषा। ठीक है, बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता है उसी की भाषा को अगर वो बोलना सीखता है, जिस परिवार में बच्चा पलता है बड़ा होता है उसमें जो परिवार की भाषा होती है उसी को क्या बोलते हैं, मातृभाषा। ठीक है, बच्चा जो होता है अपने बड़ों की भाषा बोलकर ही कैसे सामने बोलना, अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करना सीखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा जैसे परिवार के लोग बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वही जैसी लैंग्वेज का वो प्रयोग करते हैं। जैसे जिन परिवारों में मारवाड़ी बोली जाती है तो वहां के बच्चे भी क्या सीखते हैं, मारवाड़ी सीखते हैं, और जिस परिवार के बच्चे क्या बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं, वहां के बच्चे भी क्या करते हैं, वागड़ी ही सीखते हैं। जिन परिवार के बच्चों में इंग्लिश बोली जाती है परिवार में, वहां के बच्चे भी क्या करते हैं, इंग्लिश ही सीखते हैं। राजभाषा, राजभाषा वो भाषा होती है जो क्या करती है, राजकीय कार्य में काम आती है। ठीक है, जैसे अपनी अधिकतर वर्ग जो होता है अपना, जो सचिवालय वगैरह होते हैं, पटवारी वगैरह होते हैं, जो फॉर्म्स वगैरह हम सबमिट करते हैं, मूल निवास बनता है, तो वो अपना किस में बनता है, हिंदी भाषा में बनता है। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को क्या किया था, हिंदी को अपनी राज्य भाषा घोषित किया था, क्या किया था, राज्य भाषा घोषित किया था। हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा घोषित किया था, इसलिए उस वर्ष से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को अपन क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर अपना क्या है, हिंदी दिवस है। अब नेक्स्ट आता है आपकी हिंदी की उपयोगिता। ठीक है, हर लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, उपयोगिता होती है। उपयोगिता मतलब उसका क्या होता है, किसी ना किसी प्रयास से हम क्या करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। आर्य भाषा मतलब, आर्य भाषा बोलते हैं अपने मतलब जो श्रेष्ठ कुल की भाषा, आर्य बाहर से आए थे, उन्होंने क्या किया, हिंदी को उनकी जो लैंग्वेज थी, ठीक है, उसी से विकसित होते होते क्या बनी, हिंदी बनी है। ठीक है, हिंदी आर्य भाषा परिवार की सदस्य है। आर्य भाषा मतलब जो आर्य लोग थे उनकी लैंग्वेज से हिंदी बनी है। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। सोपान मतलब अलग अलग चरणों से। ठीक है, सबसे पहले हिंदी जो थी, हिंदी अपने विकसित रूप में जब नहीं थी, ठीक है, सबसे पहले क्या, कौन सी भाषा भारत में बोली जाती थी, संस्कृत भाषा। भारत में जो पुराण है, वेद है, इनका जो लिखा गया है वो कैसी, कौन सी भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। भारत में पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत ही बोली जाती थी। उसके बाद पाली आई, पाली से फिर प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश बोलते मतलब खड़ी बोली, खड़ी बोली मतलब हिंदी ने धीरे धीरे क्या किया, अपना विकास किया। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, धीरे धीरे चलना सीखता है, उठना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, उसी प्रकार से हिंदी का भी क्या हुआ, विकास हुआ। हिंदी कैसे बनी है, संस्कृत से बनी है। अधिकतर हिंदी के जो लैंग्वेज के वर्ड है वो किससे आए, संस्कृत से आए। जैसे पढ़ते हैं ना, मातृ से माता, पितृ से पिता, ठीक है, इसी को धीरे धीरे जब अपन रेगुलर बोलते गए तो इनका क्या हो गया, विकास हो गया, और हिंदी क्या बन गई, हमारी जो विकसित रूप है वो बनता गया। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हुआ, यह सामान्य प्रयोग की भाषा से राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा से राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। ठीक है, हिंदी का जो विकास है वो अनेक रूपों में हुआ, अनेक रूपों में मतलब अलग अलग रूपों में हिंदी को क्या है, मान्यता मिली। सामान्य भाषा, सामान्य भाषा मतलब जो अपने रीजनल बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसके रूप में फिर भारत की राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा मतलब
राष्ट्रीय स्तर का जो काम काज है, जैसे संसद वगैरह में जो बोलचाल की भाषा है, उसमें किसको मान्यता दी गई? हिंदी को मान्यता दी गई। उसके बाद राज्य भाषा, मतलब राज्य के जो कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्म्स वगैरह हो, मूल निवास हो, पटवारी के काम हो, पंचायतों के काम हो, किस भाषा में होते हैं? हिंदी में होते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी साहित्यिक भाषा, कई प्रकार के जो साहित्य है उनकी रचना की गई है, और अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी क्या प्रयुक्त होती है? हिंदी प्रयोग में लाई जाती है। मतलब अंतरराष्ट्रीय रूप में भी कई जगह क्या है? हिंदी में ही काम होता है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। प्रथम भाषा मतलब अपने यहाँ पे क्या, हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज मानते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। लेकिन उत्तर भारत में फर्स्ट लैंग्वेज है, और जो साउथ की तरफ आप जाओगे तो वहां उनके रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ सेकेंड भाषा के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा, ठीक है, जो हिंदी है वह बोले जाने के रूप में, मतलब कितने लोग इसको अपने भावों में, विचारों में बोलते हैं, या किस प्रकार से कितने लोगों में व्यवहार में लाई जाती, तो इस प्रकार हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कहां पे? विश्व में। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली व अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है, ठीक है। हिंदी भाषाई क्षेत्र, जहाँ पे हिंदी को क्या कहते, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का दर्जा दिया गया है, वो कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार संघीय क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है। ये हिंदी भाषी राज्य है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि अन्य राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग आती है। संपर्क भाषा मतलब इसको आप वहां के बोलचाल के रूप में तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनका जो वर्क है, राष्ट्रीय जो राज्य कार्य है, वो किस में किया जाता है? वो वहां की रीजनल लैंग्वेज में ही किया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की कौन सी है? पश्चिम बंगाल की बंगाली लैंग्वेज में किया जाता है, गुजरात में गुजराती से, महाराष्ट्र में मराठी से, और पंजाब में किस में? पंजाबी जो वहां की लैंग्वेज है उसी में क्या किया जाता है? वहां का जो वर्क है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बोली, ठीक है। किसको कहते हैं बोली? भाषा के एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा जो होती है एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब एक बड़े भूभाग में क्या कही जाती है? भाषा बोली जाती है, ठीक है। भाषा क्या होती है? एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। बोली विस्तृत भू क्षेत्र के एक छोटे से भाग में या एक हिस्से में बोली जाती है, ठीक है। जैसे आपकी हिंदी है, तो हिंदी क्या है? आपकी भाषा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, पूरे देश में बोली भी जाती है, समझी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है, ठीक है। और बोली जो होती है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे आपकी मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, तो यही सब क्या है? बोलियां है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। अगर आप यहाँ से थोड़ी बाहर चले जाओ, जैसे महाराष्ट्र में जाकर आप राजस्थानी बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगी, वहां आपको किसका भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका लिखित रूप नहीं होता, ठीक है, बोली का लिखित रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बोली का रूप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर आप जाते हो तो बोली का जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे परिवार विशेष में अपन बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपनी मातृभाषा के रूप में। लेकिन आप डूंगरपुर जाओगे, बांसवाड़ा जाओगे, उदयपुर जाओगे, राजसमंद जाओगे, तो यहाँ पे भी क्या, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो बोली जाती है, वो क्या है? थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होती जाती है। एकदम अगर आप कहो कि मेवाड़ी बोली जाती है तो नहीं बोली जाती, उसमें क्या है? थोड़ा थोड़ा जो उसका टोन है वो भी क्या होगा? चेंज होता जाएगा। खड़ी बोली ब्रज, अवधि, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, हरियाणवी, हिंदी भाषा के प्रमुख बोलियां, ठीक है। हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधि, बुंदेली, राजस्थानी, मैथिली और भोजपुरी, हरियाणवी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। इनमें लोक साहित्य की रचना भी पाई जाती है, ठीक है। ऐसे पहले आपने कहा था कि मैम आपने तो कहा था बोली में संलिखित रूप नहीं होता, ठीक है, लिखा नहीं जाता, लेकिन लोक साहित्य की रचना इनमें पाई गई। लोक साहित्य जैसे मतलब अपने राजस्थान में क्या है? राजस्थानी गीत होते हैं, ठीक है, और हरियाणवी में हरियाणवी गाने या फिर हरियाणवी साहित्य होता है, भोजपुरी गाने होते हैं, ब्रिज के मतलब जो गाने होते हैं या फिर उनका जो साहित्य होता है, तो इनमें लोक साहित्य पाया जाता है, लेकिन इनका जो आगे लेवल पे बहुत बड़ा साहित्यिक रूप होता है वो पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो बोली को अपन लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर आप जाओगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे मतलब यहाँ से अगर आप डूंगरपुर से बांसवाड़ा भी जाओगे, तो उसके जो टोन है, उसके जो बोलने का तरीका, उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो भाषा क्या है? आपके विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और लिखित रूप में आप क्या है? उसका एक मानक होता है, उसकी गुणवत्ता होती है। लेकिन बोली क्या है? थोड़ी थोड़ी दूरी पे बदल जाती है, इसलिए उसका लिखित रूप
मिलना मुश्किल। साहित्यिक रूप में उसका थोड़ा लोक साहित्य में उसका मिल सकता है, लेकिन बोली को पूरा एज इट इज लिखित साहित्य मिलना मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका साहित्य। ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। किसको कहते हैं साहित्य? ज्ञान के संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान जो होता है मतलब जो अपना जितना भी नॉलेज होता है, जितना भी अपना लिखित ज्ञान है उसको लिपिबद्ध करना, मतलब उसको वर्णों में लिखना, उस कोश को अपन क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। ठीक है, साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। ठीक है, आमतौर पर साहित्य किसके कहते हैं? गद्य और पद्य की जो रचनाएं होती है उनको साहित्य कहते हैं। अब आप कहोगे गद्य क्या होता है मैम, पद्य क्या होता है? गद्य होता है अपना पैसेज जो होता है उसको अपन गद्य कहते हैं। पैसेज मतलब जो अपने पैराग्राफ में जो लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपकी स्टोरी हुई, निबंध हुआ। ठीक है, जो पैराग्राफ वाइज जो आपकी लिखित सामग्री होती है उसको अपन बोलते हैं गद्य। ठीक है, और पद्य होता है पोएट्री। ठीक है, जिनको किसमें लिखा जाता है? पद्यांशों में लिखा जाता है, जिनमें दो लाइन होती फिर गैप होता है, दो लाइन होती फिर गैप होता है, उसको बोलते हैं पद्य। ठीक है, और गद्य और पद्य को सम्मिलित रूप से जो रचनाएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं? निबंध सॉरी अपन क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। अब आपके आगे दे रखा है गद्य में होता है निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक और एकांकी। ठीक है, इन्हें विधा भी कहते हैं। विधा मतलब विद्या। ठीक है, विधा मतलब तरीका ऐसा जिसमें क्या हो कि अपन अपने बात को सामने वाले को इजी वे से समझा सके। जैसे निबंध होता है तो डायरेक्ट अपन एक टॉपिक को सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हैं। उपन्यास बहुत बड़ा रूप होता है। कहानी मोरल से इंसान समझ जाता है कि इसमें इस घटना से क्या समझ में आ रहा है। लघु कथा मतलब शॉर्ट स्टोरी, नाटक एक्टर जो होता है, एकांकी जिसमें एक ही व्यक्ति अभिनय करके बताता है कि ऐसा हुआ है, उपपत्र। ठीक है, इन्हें विधा भी कहते हैं। विधा मतलब जो लिखा हुआ है उसको क्या करते हैं? आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पद्य। पद्य में गीत और कविताएं होती है। ठीक है, आगे आपके जो आपके पोएम्स होती है जो गाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसको जिसके अंदर लय होता है उसको क्या बोलते हैं? पद्य बोलते हैं, जिसमें आपके गीत हो गए, कविताएं होगी। हिंदी साहित्य में उपयुक्त प्रत्येक विधा बहुत समृद्ध है। समृद्ध मतलब बहुत विस्तृत है। ठीक है, बहुत उसमें क्या है? बहुत सारा भंडार है। ठीक है, आपने यहाँ पे हिंदी में निबंध भी बहुत लिखे गए, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, तो हिंदी में बहुत सारे बड़े बड़े राइटर हुए जिन्होंने क्या किया? हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। ठीक है, हिंदी में गद्य और पद्य की जो विधाएं हैं जो उसमें काफी समृद्ध है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आया? साहित्य क्या होता है? लिखित कोश होता है। लिखित कोश मतलब हिंदी के जितने भी लिखे गए कोश है, बड़े बड़े जो भंडार है उसको साहित्य कहते हैं। चाहे वो प्राचीन काल के हो, जो अभी राइटर लिख रहे हैं उनको भी हम क्या कहेंगे? हिंदी साहित्य के कोश ही कहेंगे। ठीक है, साहित्य के सामान्य दो प्रकार की विधाएं होती है, गद्य और पद्य रचनाओं से हम मानते हैं कि ये हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, जिसमें गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी और पत्र आते हैं, इन्हें हिंदी की विधा कहते हैं। और पद्य में आपके गीत और कविताएं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बोली, साहित्य और हिंदी की उपयोगिता, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे व्याकरण। किसे कहते हैं? व्याकरण। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं हिंदी में? ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप पूछ लेना कि मैम हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही। ठीक है, बोली किसको बोलते हैं? समझ में आ गया कि जो छोटे लेवल पे बोलते हैं। ठीक है, छोटे लेवल पे मतलब अपने घर परिवार या फिर एक निश्चित क्षेत्र में, भू क्षेत्र में। ठीक है, और भाषा क्या होती है? बहुत विस्तृत क्षेत्र पर, पूरे देश में भी हो सकती है, पूरे स्टेट में भी बोली जा सकती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। ठीक है, बोली का लिखित रूप नहीं होता है। ठीक है, उसको अपन लिख कर किसी को नहीं बता सकते हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन भाषा को अपन लिख कर बोल सकते हैं। लोक साहित्य की रचना बोली में होती है। ठीक है, लोक साहित्य जो होता है वो क्या होता है? बोलियों में हो सकता है, लेकिन विस्तृत रूप से हम उसको नहीं लिख सकते। साहित्य ज्ञान का जो लिपिबद्ध, लिपिबद्ध मतलब लिखे हुए ज्ञान को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक भी क्या है? एक तरीके का साहित्य। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ है, रिटन है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। इसमें आपका गद्य भी हो सकता है, पद्य भी हो सकता है। आपकी बुक भी क्या है? एक प्रकार का साहित्य है। क्यों? क्योंकि उसमें गद्य में भी रचनाएं होंगी और पद्य में भी होगी। उसमें कहानी भी होगा, उपन्यास भी होगा, लघु कथा भी होगी, नाटक और एकांकी भी होंगे। ठीक है, तो ये विधाएं किसकी है? हिंदी की विधाएं हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्याकरण, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।